इंटरनल नोड। तो इसको कह सकते हैं ऑल द नोड्स एक्सेप्ट रूट नोड एंड लीफ नोड इज कॉल्ड इंटरनल नोड। यानी कि वैसे नोड जिसमें रूट को छोड़ दिया जाए, लीफ को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के बचे हुए जो है सब के सब लीफ नोड होंगे, लेकिन यहाँ इंटरनल नोड होंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरनल नहीं बन रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको इंटरनल का कंसेप्ट पे ले आते हैं। ये आपका जो है टेन हुआ, इसके जो है एक ब्रांच 20 है, दूसरा आपका 40 था, तीसरा 30, एक और ब्रांच इसका बनाते हैं दैट इज 50, इसका एक ब्रांच बनाते हैं दैट इज 60। तो यहाँ पे इंटरनल नोड किसको कहेंगे, तो आपके डिफिनेशन के हिसाब से ऑल द नोड्स एक्सेप्ट रूट नोड एंड लीफ नोड। लीफ नोड और रूट नोड को छोड़ के बाकी जो भी बचेंगे वो सब के सब इंटरनल है। तो आप इसको यहाँ पे ये लीफ नोड हुआ क्योंकि इसके कोई भी चिल्ड्रेन नहीं, ये आपका रूट नोड हुआ, बाकी के ये बचे दिस इज द इंटरनल नोड। तो ये इंटरनल नोड का कंसेप्ट हुआ, यानी कि आपके जो है ब्रांच के बीच में जो बचे हुए नोड है उसको हम लोग इंटरनल नोड के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है सिबलिंग। तो इसको कह सकते हैं नोड्स दैट हैव सेम पैरेंट इज नोन एज सिबलिंग। यानी कि वैसे नोड जिसके पैरेंट सेम हो वो सिबलिंग नोड होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके जो है टेन, इस टेन के जो है ये टेन पैरेंट है किसका, 20 का, 40 का और 30 का। तो यहाँ पर जो है ये 20, 40 और 30 ये सिबलिंग हुए हैं, सहोदर। जैसे कि हम लोग सिबलिंग का मतलब हो गया कि हमारे जो है सहोदर भाई होते, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है पैरेंट आपका टेन ही है इस तीनों नोड का। तो यहाँ पर ये तीनों नोड एक दूसरे के सिबलिंग नोड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट है दैट इज डिग्री ऑफ नोड, और ट्री भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ ट्री। तो पूरे ट्री में अब इसको थोड़ा सा हम और लार्ज करते हैं, जैसे कि मान लें कि ये ट्री और भी है, इसमें हमने 70 एक डेटा स्टोर किया, एक 80, उसी तरीके से एक और ब्रांच लिए हुए हैं 100। तो ये आपका ट्री सपोज कीजिए किस तरीके का डिजाइन है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ नोड किसको कहेंगे या डिग्री ऑफ ट्री किसको कहेंगे, तो पूरे ट्री में हम लोग देखेंगे कि पूरे ट्री में जो है नंबर ऑफ ब्रांचेज या नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस मैक्सिमम कितने हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपके 10 के जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस 1, 2, 3 तीन हुए, अगेन 40 के चिल्ड्रेंस 1 हुए, अगेन 30 के चिल्ड्रेंस 1 हुए, ये 60 है, 60 का 2 चिल्ड्रेन हुआ, 70 का 1 चिल्ड्रेन हुआ। तो पूरे ट्री में जो है सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज जो होंगे वो आपको डिग्री ऑफ नोड या डिग्री ऑफ ट्री बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपके 10 के इस नोड का जो है नंबर ऑफ ब्रांचेज 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगा, डिग्री आपका जो है ये 3 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 3। यानी कि ये ट्री जो है 3 डिग्री का है, क्योंकि आपके किसी भी नोड का नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्रांचेज यानी कि पूरे आपके
पूरे आपके स्ट्रक्चर में देखना होगा कि सबसे बड़ा जो है आपका सबसे नंबर ऑफ ब्रांचेस किस नोड से ज़्यादा निकल रहे, वही आपका उसका डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं, डिग्री का डिफिनेशन दे सकते हैं, ए नोड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज इज कॉल्ड डिग्री ऑफ नोड। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है पॉइंट बनता है, दैट इज कॉल्ड हम लोग कर सकते हैं लेवल ऑफ नोड, लेवल ऑफ नोड। तो लेवल ऑफ नोड का मतलब उसको कैसे हम लोग जो है कंसीडर करेंगे, तो लेवल ऑफ नोड को फाइंड आउट करने के लिए हम पूरे ट्री को देखते हैं, और पूरे ट्री में जो है सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे जो होगा उसको लेवल जीरो से डिनोट करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हर लेवल पे जो है बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे इस ट्री में जो है अगर हम लोग रूट नोड को कंसीडर करें तो ये लेवल लेवल जीरो हो गया, उसके बाद ये पूरा का पूरा लेवल हो गया, ये लेवल टू हो वन हो गया लेवल वन, उसके बाद आपका ये लेवल हो गया टू, उसी तरीके से यहाँ तक हम लोग लेवल जीरो वन टू, उसके बाद ये है लेवल थ्री और ये लेवल फोर, यानी कि ये पूरा का पूरा ट्री जो है वो फोर लेवल का ट्री हुआ। कैसे? तो हम लोग रूट नोड से काउंट करते हैं, और रूट नोड के जितने भी ब्रांचेज निकले होंगे वो सब का सब एक लेवल पे होगा, तो रूट नोड जीरो लेवल हुआ, उसके बाद के ब्रांचेज वन लेवल पे हुए, उसके बाद के ब्रांचेज टू लेवल पे, चाहे लेफ्ट हो राइट हो हम लोग सबको कंसिडर करते हैं। तो एक लाइनिंग खींचेंगे लेवल के हिसाब से, तो देखेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेज, उसमें नोड आपके जो है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग होते हैं, उसका कैलकुलेशन होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो है आपके फोर लेवल के क्या हुए कि नोड लेवल के जो है ट्री हो गए। इसी में हम लोग जो है अब हम लोग देखते हैं हाइट, हाइट ऑफ नोड और ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री आपका कैसे काउंट किया जाएगा, तो हाइट काउंट करने के लिए हम लोग नीचे से काउंट करते हैं, यानी कि सबसे नीचे वाला जो है नोड वो हाइट जीरो का होगा, उसके बाद ऊपर वाले नोड जो है हाइट वन होंगे, टू होंगे, थ्री होंगे, फोर होंगे, यानी कि लेवल ऑफ ट्री देखना होगा तो टॉप से बॉटम जाना होगा, और अगर हाइट ऑफ ट्री देखना होगा तो बॉटम से टॉप जाना होगा। तो हाइट ऑफ नोड इसका क्या, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, ट्री का हाइट इसमें, तो ये आपका हाइट हो गया। अब ये हाइट जीरो से कंसिडर करेंगे तो ये हाइट जीरो हो गया, अगेन इसी पे जो है ये हाइट क्या हो जाएगा, तो एच इजकल टू ये वन हो जाएगा, उसी तरीके से एच इजकल टू टू हो जाएगा, एच इजकल टू थ्री हो जाएंगे, और ये एच इजकल टू फोर, यानी कि इस ट्री का हाइट जो है वो फोर है, फोर डिग्री फोर हाइट का जो है ये ट्री है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ट्री का जो है लेवल बॉटम टू सॉरी टॉप टू बॉटम होता है और हाइट जो है बॉटम, तो लेवल बराबर हाइट कर सकते हैं क्योंकि देखेंगे जितने लेवल होते हैं उतना ही हाइट होता है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था ट्री के बारे में। अब हम लोग जो है इस ट्री के बेसिक कंसेप्ट के बाद में हम लोग देखेंगे कि ट्री को कैसे डिजाइन करते हैं और ट्री को कैसे हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ये अलग मेथड होता है उसको भी समझना होगा। उसके बाद हम लोग जो है ट्री के जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइप को समझेंगे, जिससे आइडिया लगेगा कि हम अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके इस ट्री में स्टोर करेंगे, और वो जो स्टोर हो रहा है जिस डेटा स्ट्रक्चर में वो टाइप कैसा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्री के ट्रेवर्सिंग के बारे में देखेंगे। तो दैट्स वी कम नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।